और इसी बीच खबर आ रही श्री विजयनगर से, खबर अनूपगढ़ जिले से है जहां पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य ने श्री विजयनगर पुलिस थाने में जन सुनवाई की है। इस दौरान फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक मौर्य ने उनके आवेदन लेकर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। जन सुनवाई के दौरान ASP भंवरलाल, CI महावीर विश्नोई, थाना अधिकारी गोविंद राम विश्नोई मौजूद रहे। बैठक में नगर के गणमान्य नागरिक, पुलिस मित्र, CLG सदस्य, सरपंचगण, नगर पालिका चेयरमैन और महिला पुलिस मित्र मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा पगड़ी पहनाकर SP मौर्य का स्वागत किया गया। इस दौरान व्यापारियों की ओर से नवीन धान मंडी परिसर में पुलिस चौकी खोलने की मांग भी की गई है। आसपास के क्षेत्र में चिट्ठे के बढ़ रहे नशे पर प्रभावी नियंत्रण करने की मांग की गई है। साथ ही यातायात व्यवस्था और सुधारने का प्रस्ताव भी रखा गया है। वहीं SP मौर्य द्वारा आमजन से नशा तस्करों की सूचना पुलिस प्रशासन को पहुंचाने की अपील की गई है। बैठक में SP मौर्य द्वारा अधिकारी गोविंद राम विश्नोई की कार्य प्रणाली की भी सराहना की गई है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। आज हमने पुलिस थाना विजयनगर परिसर में जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा था। बेसिकली इसका मकसद यही है कि दूर दराज के जो परिवादी हैं या जिनकी कोई ऐसी समस्या है उसको लेकर के वो उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुँच पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि वो परिवादी थाने में आता है, थाने में उसका प्रकरण दर्ज हो, कोई परिवाद हो, लेकिन वो यहाँ के अनुसंधान अधिकारी से संतुष्ट नहीं हो पाता है और वो फिर हमारे पास आता है वहाँ पर भीतर, और हम उसमें समुचित निर्देश जारी करते हुए और उसको राहत प्रदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर पुलिस ही अगर परिवादी के पास पहुँच जाए तो इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जो उच्च अधिकारी हैं वो अपने ज़िले के अंदर विभिन्न स्थानों पर जाकर के और जन सुनवाई का कार्यक्रम रखते हैं। आज हमने जो विजयनगर में जन सुनवाई का प्रोग्राम रखा है तो उसमें काफ़ी संख्या में हमारी अपेक्षा से अधिक लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और कुछ ऐसी समस्याएँ भी रखी जो कस्बे में सामूहिक रूप से कुछ उनकी परेशानियाँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं, कुछ उन्होंने सुझाव भी रखे। पुलिस चौकी के बारे में उन्होंने मांग भी रखी, यातायात व्यवस्था के संबंध में जो कठिनाइयाँ आ रही है उसके संबंध में भी उन्होंने अपने विचार रखे। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से जो लोग किसी प्रकरण में या किसी अन्य बात से जिनको कोई परेशानी थी तो उन्होंने भी अपनी परिवेदना आज मेरे समक्ष रखी है और उसका जो है एक उचित स्तर पे जो है शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास हमारा रहता है। कोई समस्या ऐसी तो आई नहीं थी जिसका तत्काल निराकरण किया जा सके, लेकिन प्रकरणों से संबंधित कुछ थी शिकायतें तो उनको हमने संबंधित जो भी अधिकारी है जांच अधिकारी उनको सही और निष्पक्ष जांच करने के लिए हमने उनको मौके पर ही निर्देशित भी किया है। और जो सामूहिक समस्याएँ बताई गई है उसके बारे में भी जो है निश्चित तौर पर पुलिस प्रयास करेगी, यातायात व्यवस्था हो, चाहे आपकी नई धान मंडी में पुलिस चौकी की स्थापना से संबंधित हो या रात्रि गश्त और सायकालीन गश्त के बारे में। इसी जनसुनवाई के दौरान भी हमारा जो एक मकसद ये है कि पब्लिक से पुलिस का सीधा संवाद स्थापित हो,